तो हे व्हाट इज़ अप टेक मैन, वेलकम टू टेक्निकल डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल। सो या गाइस, तो आज की इस वाले वीडियो बात करने वाले वीवो S10 स्मार्टफोन के बारे में। तो इसके कुछ रूमर एंड लीक्स निकल गए हैं जो कि आज की इस वाले वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो इस स्मार्टफोन को लेकर अगर कोई भी आपके पास डाउट है तो मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर देना हूँ, लाइक जैसे कि इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और इसकी लॉन्च डेट, इसकी और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो इनटू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। उसमें आपको जो है डिस्प्ले वो आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी रिफ्रेश रेट उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके डिस्प्ले इसकी रैम रोम की, तो इसमें आपको 4GB रैम और 6GB रैम और 120GB 64GB और 256GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो इस बात की जाए इसके टॉप वेरियंट रैम रोम की, तो इसमें आपको 16GB तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके कैमरास की, तो उसमें आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का देखने को बैक लाइट देखने को मिल जाएगा। बाकी जब फ्रंट मेगापिक्सल की, तो उसमें फ्रंट का सेल्फी की, तो उसमें आपको 44 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बाकी जब इसके परफॉर्मेंस प्रोसेसर की, तो उसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1100 चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 6 NM पे बेस्ट होगा। और बाकी जब इसके डायमेंशन की, उसमें आपको डायमेंशन ठीक ठाक देखने को मिलेगी, काफ़ी स्लिम और काफ़ी बेटनेस होने वाली है। और बात की जाए इसके सिम कार्ड स्लॉट की, तो मेरे हिसाब से इसमें जो सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगी वो होगी हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगी। सेंसर की, तो उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास टाइप का प्रोटेक्शन डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसमें फेसल लॉक का भी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसमें आपको NFC काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसमें आपको 3.5 का जेक फोन मिल जाएगा। और बात की जाए इसके OS की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। और बात की जाए इसमें जो है आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 MB मेरे हिसाब से आपको इस फोन देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसमें रैम टाइप की, तो इसमें आपको LPDDR5X रैम टाइप देखने को लिख के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके स्टोरेज टाइप की, तो उसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके फाइनली लॉन्च डेट की, तो ये जो है वो इसी महीने में चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको अगले महीने या कुछ सितंबर में, तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में, या अगले महीने भी देखने को मिल सकती है, या इस महीने इस मंथ भी आपको इस स्मार्टफोन जो है इंडिया में देखने को मिल सकती है। और इसकी बात की जाए चाइना वाली प्राइस की, तो वहाँ जो प्राइस अभी लॉन्च कर दिया गया है वो आपको 20,000 में चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो स्मार्टफोन आएगी इंडियन में, तो मेरे हिसाब से 25,000 या 30,000 के अराउंड आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी इंडिया की प्राइस में। तो 4GB और 64GB का ऐसे भी 20,000 और 25,000 ऐसे कुछ होगा। और तो ये लॉन्च डेट प्राइस तो इसकी ऐसे होने वाली है इंडिया में। और बात की जाए इसके फाइनली बैटरी की, इसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्जर और 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी इसके इस स्मार्टफोन के अंदर। तो इतने स्पेसिफिकेशन और इसके रूमर रिलीज के हिसाब से इतने रूमर आए थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट।